गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंडिया के मैप के बारे में जानेंगे। इस मैप के आधार पर हम पूरे भारत देश के राज्यों को याद कर पाएंगे और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी को भी याद कर पाएंगे, वो भी मज़ेदार ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मैप में ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट तरफ चलते हैं और पूर्वोत्तर के राज्यों को सेवन सिस्टर कहा जाता है, सात बहनी। तो सेवन सिस्टर को हम कैसे याद रखें उसको जानें। ट्रिकली इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे है सबसे नॉर्थ में, पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। इसको कैसे ट्रिकली याद कर सकेंगे? तो देखिए, इसमें याद करने का ट्रिक है कि अरुणा आसन में बैठी है, मेघा के साथ त्रिकुट पहाड़ पर मिजाज से मणिनाग को देखने के लिए। फिर से देखें इसको, अरुणा आसन में बैठी है, मेघा के साथ त्रिकुट पहाड़ पे मिजाज से मणिनाग को देखने के लिए। यानी कि अरुणा का मतलब यहाँ हो गया अरुणाचल प्रदेश, आसन मतलब असम, और मेघा मतलब मेघालय, त्रिकुट पहाड़ का मतलब हो गया यहाँ पे त्रिपुरा, और मिजाज से मतलब हो गया मिजोरम, और मणि मतलब मणिपुर, और नाग मतलब नागालैंड। तो ये पूरब मेरा हो गया। इसके बाद पश्चिम की ओर चलेंगे। यहाँ पे है, इस पुराने ज़माने में राजा लोगों का क्षेत्रफल बड़ा होता था, इसलिए राजा से याद रखेंगे राजस्थान, और राजस्थान का पूरे भारतवर्ष में क्षेत्रफल बड़ा है, और राजस्थान राज्य पूरे भारतवर्ष में बड़ा राज्य के रूप में या बड़े क्षेत्रफल के रूप में जाना जाता है। तो बरसात के दिनों में जब हम लोग पानी में भींगते हैं तो पैर में क्या हो जाता है, उंगलियों, पैर की उंगलियों में गोवा हो जाता है, जिसके कारण छोटा रहता है और दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए पूरे भारतवर्ष में सबसे छोटा राज्य हमारा कौन सा है, वो है गोवा, सबसे छोटा राज्य। तो आगे हम चलते हैं उत्तर की ओर। इधर देखिए, ये ऊपर में है जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी जब धारा 370 नहीं हटा था तो जम्मू और कश्मीर एक था, लेकिन जैसे ही धारा 370 हटा तो पहले क्या था कि ये जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में, जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में उनका, अगर जवाहरलाल नेहरू के नाम से याद रखें तो जवाहरलाल नेहरू में जे और एल आता है, तो उसी तरह से ये 370 हटने के बाद ये दो पार्ट में कट गया। सबसे नॉर्थ में हो गया आपका यहाँ कटा, और नॉर्थ में हो गया लद्दाख, और इधर हो गया जम्मू एंड कश्मीर। तो जवाहरलाल नेहरू का नाम में आता है जे एल, तो जे से हो गया जम्मू एंड कश्मीर और एल से हो गया लद्दाख। फिर आते हैं राजा के पास। तो राजा अपने गर्दन में, अगर इस पूरे मैप को एक आदमी का स्वरूप दे दें तो ऊपर में माथा होगा यानी मुड़ी होगा या सिर होगा, और नीचे पैर होगा। तो राजा अपने गर्दन में फूलों की माला को पहन के रखा है। तो फूल, फूल से मतलब क्या हो गया यहाँ, फूल पी एच डबल यू एल, वो याद रखेंगे हम लोग। तो पी का मतलब हो गया पंजाब, उसके बाद एच आता है, एच का मतलब हो गया हिमाचल प्रदेश, उसके बाद यू आता है, यू का मतलब हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद फिर यू आता है तो हो गया उत्तर प्रदेश। और इस फूल में, फूल का जो ये फूल है, फूल का जो टहनी है वो हरा है, हरियर है, इसलिए यहाँ हरियाणा है। ये फूल से हम लोग और टहनी से 1 2 3 4 राज्य याद रख सकते हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। अब चलते हैं इधर पश्चिम की ओर। महात्मा गांधी से दो राज्य नाम याद रख सकते हैं, महात्मा मीन्स महाराष्ट्र जो पश्चिम में पड़ता है, और गांधी मीन्स गुजरात। आगे बढ़ते हैं, के अक्षर से कर्नाटक है, और करेला जैसा केरल है। आगे इन राज्यों को याद करने का तरीका है कि तुम ना आंधी में उड़ोगे तो झारखंड बिहार में गिरोगे। क्या इसका ट्रिक है, तुम ना आंधी में उड़ोगे तो झारखंड बिहार में गिरोगे। तुम ना का मतलब हो जाएगा तमिलनाडु,
आंधी मतलब आंध्र प्रदेश, उड़ोगे मतलब उड़ीसा, और झारखंड बिहार तो है ही। इसके बाद हम चलेंगे, ये देखिए बीच में छाती होता है तो मध्य में है मध्य प्रदेश, और छाती कितना इंच का होना चाहिए, 36 इंच का, 36 इंच मतलब छत्तीसगढ़। आगे हम चलेंगे यूनियन टेरिटरी की ओर, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की ओर। यहाँ यूनियन टेरिटरी की तरफ जाने से पहले तीन राज्य छूट रहे हैं उसको देखेंगे। यहाँ देखिए ये घाघरा पहनकर बनर्जी चली शिकार करने, शिकार मतलब सिक्किम, बनर्जी मतलब पश्चिम बंगाल, बंगाल ममता बनर्जी घाघरा, देखिए घाघरा जैसा चित्र है ना, गौना पहन करके चली शिकार करने, शिकार मतलब सिक्किम, तो सिक्किम और बंगाल यहाँ हो गया। अंत में जो आंध्र प्रदेश से कट के बना है तेलंगाना, ये यहाँ है, तेलंगाना एक राज्य है यहाँ पे। इसके बाद चलते हैं हम यूनियन टेरिटरीज की ओर, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की ओर। केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ देखिए गर्दन के नीचे यहाँ दिल होता है इसलिए दिल्ली है, और गर्दन में चांदी का लॉकेट पहने हुए है तो चंडीगढ़ हो गया। तो पहला हो गया दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़, ये दोनों बीच में पड़ता है, बाद बाकी सब किनारे किनारे है। तो जाने दिल्ली पहला, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ है दमन एंड दीव, और दादरा एंड नगर हवेली, ये दोनों मिला करके, यानी कि दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश माना गया है। उसके बाद है आपका यहाँ पे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद पुदुचेरी, पुदुचेरी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे पहले 370 नहीं हटने के पहले क्या था कि हमारे भारत देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, उस समय ये अलग अलग थे, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। इस बार धारा 370 हटने के बाद दोनों को मिला दिया गया है। तो अगर हम कहें कि राज्य के रूप में सबसे उत्तर में, उत्तरी छोर में कौन सा राज्य आता है, तो सबसे उत्तरी छोर में हिमाचल प्रदेश आएगा। एक बात और रिमाइंड कर लें कि ये फूल और टहनी मिला करके 5 राज्य हो जाते हैं। पी मतलब फूल का, अगर हम रिमाइंड करें तो पी मतलब पंजाब, एच से हिमाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड, फिर यू से उत्तर प्रदेश, और टहनी हरियर है हरियाणा। तो 1 2 3 4 5 राज्य होते हैं, इसे याद रखा जाए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।